जी मैंने इलेक्ट्रिक भी साथ लेना हमारी आजकल गैस का बहुत इशू बना हुआ है तो गैस नहीं आ रही लोगों की, फिर वो इलेक्ट्रिक भी साथ करवा लेते हैं। पुराने गीजर को भी आप इलेक्ट्रिक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें हमें टाइम दे घंटा से दो दो घंटे तकरीबन लगते हैं, हम उसके सामने जो गैस कह रहे हैं 12-14 उसके सामने तैयार करके दे। अगर ये 45,000 का दे रहे हैं, अगर कोई व्यूवर बड़े बड़े हाइपर स्टोर पे चला जाए, मेट्रो पे चला जाए, वहाँ पे प्राइस डिफरेंस क्या है? महंगा मिलेगा वहाँ से, सस्ता नहीं, वहाँ से आपको महंगा मिलेगा वहाँ पे। इसकी आप 10 साल की गारंटी दे रहे हैं? इसकी 10 साल की गारंटी दे रहे हैं। तो गाइस देखिए, आप अपने पुराने इलेक्ट्रिक पुराने गैस गीजर को इलेक्ट्रिक करवा सकते हैं, यहाँ से आप स्पेयर पार्ट बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप लाहौरी कूलर तैयार करवा सकते हैं। ठीक है ना, आप ये यूनिट और ZLY है, USA स्टैंडर्ड है ये। ठीक है ना, और इसमें लोकल भी आता है, इस मीन्स के टेस्ला लगा ले आप, यूनिट भी लोकल आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका? जैसा कि आप देख रहे हैं बिजनेस प्रमोशन टीवी और मैं आपका अपना होस्ट मोहम्मद माजिद। दोस्तों मैं आज आया हूं, सर्दियां पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो चुकी हैं, आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं गीजरों वालों की, जो कि गीजर ना के सेल करते हैं बल्कि खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाहौर की ये 12 साल पुरानी दुकान है, कॉलेज रोड टाउनशिप के ऊपर इनकी दुकान है। मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल नीचे नंबर आप दोबारा ऊपर देख सकते हैं, इनके नंबर भी सारे लिखे हुए हैं। तो आइए जाके इनके जो ओनर है उनसे लगाते हैं गपशप और उनसे पूछते हैं कि कौन सा गीजर लेना चाहिए। यहाँ पे ये देखें, स्पेयर पार्ट दे सकते हैं, हर किस्म का गीजर यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो टाइम रह के बगैर चलते हैं अंदर, आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आपसे सर रिक्वेस्ट है, आप खड़े हो जाए। जी सर बहुत शुक्रिया, आप बताइएगा सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया वीडियो के लिए। सर्दियां पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल स्टार्ट है, तो क्या कीमतें बढ़ा दी हैं गीजरों की आपने? नहीं नहीं, कीमतें हमारी वही है, ठीक है ना, हालांकि हमारी परचेजिंग जो है हमने महंगी की हुई है, लेकिन हम कहते हैं कस्टमर को बेनिफिट दें। जी ठीक है ना, तो हमारी कीमतें इंशाल्लाह मुनासिब है, मार्केट से बिल्कुल मुनासिब है। सबसे पहला सवाल, टाइम रह किए बगैर, आपकी ये दुकान कितनी पुरानी है? सर ये हमें तकरीबन यहाँ पर 10 से 12 साल हो गए, इससे पहले हमारी जो शॉप थी वो इसी के पास ही थी, लेकिन हमने जगह चेंज की है, लेकिन हमें इस जगह पर 10 से 12 साल हो गए। अच्छा, ये 10 से 12 साल आप यहाँ पे मौजूद है। हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अगर किसी ने फिजिकली विजिट करना है तो एक दफा जरा आप अपनी जुबान से एड्रेस गाइड करें। सर अगर किसी ने हमारे पास विजिट करना है ना, तो आप अकबर चौक बहुत मशहूर चौक है, ठीक है, वहां से आप कॉलेज रोड पे चढ़े तो तकरीबन 3 किलोमीटर आप आगे आएंगे तो आगे PSO का पंप आता है, बड़ चौक है जो, तो उसके साथ ही नादरा का ऑफिस होता था, यहाँ यहाँ से शिफ्ट हो गया हुआ, तो नादरा ऑफिस के बिल्कुल साथ हमारी शॉप है अनवर सर जरूर कूलर गीजर के नाम से। इमरान भाई का नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और संडे को बताइए शॉप ओपन होती है? संडे को सर हमारी शॉप ओपन होती है, लेकिन उसमें टाइमिंग हमारी कम है, तकरीबन 12 बजे हम खोलते हैं और हम शाम 6 बजे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दुकान के अंदर। सबसे पहले बताएं यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं आप लोग? सर यहाँ पर हम सिर्फ इस टाइम गीजर ही बना रहे हैं, इसके अलावा हमारा गर्मियों में एयर कूलर का भी काम है, गीजर के स्पेयर पार्ट्स का काम है, गीजर के स्पेयर पार्ट्स टोटली, ठीक है ना, और इसके अलावा एयर कूलर के भी जो स्पेयर पार्ट्स है वो टोटली हमारे पास अवेलेबल है। अगर कैमरा मैन एक दिखाया, ये बाइक रक्षे वाला एक गीजर लेके आया है, ये आप पुराने रिपेयर भी करते हैं? जी जी हम रिपेयर भी करते हैं सर, ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारा बजट नहीं है, ठीक है ना, महंगाई हो गई है तो हमें पुराने ही रिपेयर करके दो, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होती है, हम पुराने भी रिपेयर करते हैं और पुराने की भी हम गारंटी देते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए ये कस्टमर का है, ये मेरे पास आया, वो कह रहा था कि जी मेरी रेंज नहीं है, ठीक है, तो मुझे इसी को रिपेयर कर दे, तो सर हम रिपेयर भी करते हैं और रिपेयर की भी गारंटी देते हैं, और रिपेयर भी हम वो चीज करते हैं जो रिपेयरेबल हो, ठीक है, जो रिपेयरेबल नहीं है, जिसकी लाइफ नहीं है, हम रिपेयर नहीं करते। आप कस्टमर को मशवरा तो अच्छा देते होंगे ना कि भाई इसको रिपेयर करवाएं या ना करवाएं? अगर वो रिपेयरेबल हो तो हम कस्टमर को कहते हैं जी रिपेयर हो जाएगा, अदरवाइज अगर रिपेयर नहीं होता तो हम कस्टमर कहते हैं सर ये रिपेयर नहीं होगा। यहाँ पे अगर कैमरा मैन दिखाएगा, ये एक को बड़ा जंग लगा हुआ है, ये जो टंकी होती है, अच्छा क्या हाल है इससे, कैसे? अब देखिए ना, ये जंग लगा हुआ है जी, कुछ कस्टमर होते हैं हम उनको ये मशवरा देते हैं कि इसको काट दें, नीचे से आपका टैंक छोटा हो जाएगा, नीचे बेस लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये रिपेयरेबल नहीं है क्योंकि इसमें जो है ना वो देखा ऊपर भी धब्बे बने हैं जंग के, ठीक है ना, तो इसलिए रिपेयरेबल नहीं है। प्राइसेस की बात करते हैं, प्राइसेस की बात, आप पीछे जो हमने शुरू में वीडियो में देखा है कि यहाँ पे कुछ नए गीजर पड़े हुए हैं, इनकी क्या प्राइसेस है? सर ये जो पड़ा हुआ हमारे पास जो है 25 गैलन का, इसे भी छोटा साइज हम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम है, ये 25 गैलन है, ठीक है, अनवर संस के नाम से बना हुआ है ये। मैं दोबारा सॉरी बात काट रहा हूँ, कीमत आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बेस्ट देनी है इस महंगाई में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखिए चीज भी बेस्ट होनी चाहिए ना, कीमत ही बेस्ट नहीं होनी चाहिए,
तो ये हम बना रहे हैं, बजनी गीजर है हमारा, ठीक है, ये 12-14 में बना रहा है, लोग 14-16 में बनाते हैं, ठीक है ना, हम ये 12-14 में बनाते हैं और इसकी जो लाइफ है मिनिमम जो है मेरे ख्याल से 10 साल लाइफ है, 10 साल गारंटी देंगे आप मिल गया लीक पे? इंशाल्लाह लाजमी देंगे हम, ठीक है। अगर 9वें साल लीक हो गया तो क्या करेंगे? तो सर हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो रेंट वगैरह जो ये प्लम्बर का खर्चा है वो देंगे, बाकी हम जो टैंकी का मसला है वो फ्री क्लियर करके देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आया था हमारा 35,000, इसकी प्राइस तो बताइए, इसकी प्राइस है ये मिल रहा है आपको 36,000 में, 36,000 में, 36,000 बहुत महंगी हो गई सर, इसमें सस्ता भी मिल जाता है आपको, ठीक है। मैं वैसे ही मेरा मैंने जो घर के लिए 3-4 साल पहले लिया था तकरीबन, तो तब मुझे मेरा ख्याल 13-14,000 रुपए में मिला सर। ये आप बैनर पे चले जाए, आप पेट्रोल पे चले जाए, आपके सामने सूरत आला हमारे मुल्क की, हमारी भी कोशिश होती है कि हम इसको 25 में बेचे, ठीक है, 20 में बेचे, लेकिन ये क्या है जो कॉस्ट पड़ती है खर्चे निकाल, ये आपने बताया बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है ये। कितने गेज में बना हुआ है ये? 12-14 में, उसका जो बाहर वाला आउटर है ये 22 गेज में, ठीक है। लोग 27 लगाते हैं, 14-16 लगाते हैं, हमने 12-14 लगाया हुआ। अगर ये तो आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इतने का दे रहे हैं, अगर ये किसी आजकल जो ये फर्नीचर की शॉप है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप ले लें आप, ठीक है, कितने का मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप है ना सर, वो बनाते हैं, खुद नहीं बनाते, वो लेते हैं बने बनाए मैन्युफैक्चरिंग में, हम ये खुद बनाते हैं, ठीक है ना, उन्होंने अपनी बचत निकालनी होती है, मीन्स के उनके शोरूम के किराए 6-6 लाख रुपए है, उनके बिजली के बिल है, उनके उसके अलावा जो आप देख रहे हैं उनके स्टाफ है, उनके लाखों में खर्चे हैं, वो 15,000 नाना कमाए इसमें, तो उनको सुकून नहीं मिलता, ठीक है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमने इसमें मुनासिब अपनी बचत रखी हुई है, वो बचत रख के हम चीजें बेची जा रहे हैं, ठीक है। तो आप आगे दुकानदारों को भी देते हैं, लाइक दुकानदार भी आपसे लेते हैं होलसेल पे? देते हैं होलसेल में, हमारा कुछ डिफरेंट रेट है क्योंकि उसमें क्वांटिटी आ जाती है। डेफिनेटली मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि अगर दुकानदार हजरात भी यहाँ से बनवाना चाहें तो वो बनवा सकते हैं, उनके लिए मजीद डिस्काउंट, उनके लिए मजीद डिस्काउंट है, और वो जिस तरह की चीज कहेंगे कि हमारी इतना बजट है इसमें हमें चाहिए, हम उस हिसाब से बना के देंगे। आगे चलते हैं इस पे, आगे हमारे पास आया था सर 35 गैलन है ये, ठीक है, 35 गैलन है, और ये आपको मिलेगा 38,000 में, ठीक है, ये 35 गैलन। हाँ, अब आप कहेंगे कि इसमें क्या फर्क है सर? सेम चीज लगती है, रेगुलेटर हर चीज, सिर्फ इसमें थोड़ी सी टैंक छोटा होता है और इसमें टैंक बड़ा है, इसमें टैंक बड़ा है, और ये आगे सेम क्वालिटी पड़ा हुआ, इसके अलावा मैं 55 में पहले आज अपनी दूसरी शॉप में पड़ा हुआ, जी जी जी, ये 55 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला ये सुनिए सर, ये रेड वाला ये उससे भी बड़ा है, हाँ, ये 55 गैलन आ जाता है, ठीक है ना, ये 55 गैलन है, और ये इसका जो रेट है ये मिलेगा आपको 45,000 में, 45,000 गैस की, बस सबकी सेम है। मैं सिर्फ एक बात दोबारा पूछ रहा हूँ, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, आप अगर ये 45,000 का दे रहे हैं, अगर कोई व्यूवर बड़े बड़े हाइपर स्टोर पे चला जाए, मेट्रो पे चला जाए, वहाँ पे प्राइस डिफरेंस क्या है? महंगा मिलेगा वहाँ से सस्ता नहीं, वहाँ से आपको महंगा मिलेगा, वहाँ पर आपको कम से कम जो है 55,000 का मिलेगा, 10 से 15,000 का डिफरेंस, और वो भी कंपनी के बंदे, उसमें क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ, हाँ, ये हमारे पास जो है, हमारे पास कस्टमर खड़ा हुआ, हमें टाइम दे, घंटा से दो घंटे तकरीबन लगते हैं, हम उसके सामने जो गेज कह रहे हैं 12-14 उसके सामने तैयार करके दे। ये आप अगर कैमरामैन दिखाए यहाँ पे, ये सारी गेजे पड़ी हुई है, सारी गेजे है, इसमें 12 भी है, इसमें 14 भी है, इसमें 10 भी है, इसमें 8 भी है। ये वाली जो गेज है ये कौन सी? ये 14 गेज है, ये 14 गेज है। इसकी जो 12 इसकी जो टैंकी है ना, जो मैंने आपको दिखाया, इसके जो बॉटम है ना ऊपर नीचे, वो 12 लगेंगे, 14 से 12 मोटा होता है, और इसकी आप 10 साल की गारंटी दे रहे हैं, इसकी 10 साल की गारंटी दे रहे हैं। दोस्तों सर्दियां पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो चुकी हैं, आप सब लोग अगर आपके पास गीजर नहीं है तो जिंदगी में एक बार मौका मिले यहाँ पे आप विजिट कीजिएगा। आप दोबारा एड्रेस बताएंगे, टाउनशिप कॉलेज रोड पे कहाँ करके? सर ये आप अकबर चौक बहुत मशहूर है हमारा यहाँ, ठीक है ना, वहाँ पर आप आएंगे, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि मैंने बट चौक मैंने कॉलेज रोड पे, वो आपको बता देंगे। आप आगे आएंगे 2-2.5 किलोमीटर तो PSO का पंप आएगा, उसके ऑपोजिट अगो का पंप है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्रॉस करेंगे आगे, पहले नादरा ऑफिस था वहां से खत्म हो गया, बिल्कुल उसके साथ हमारी शॉप है 34-2C2 कॉलेज रोड टाउनशिप लाहौर। इनके स्पेयर पार्ट्स भी आप बेचते हैं? हाँ, हमारे पास पीछे अगर कैमरामैन दिखाए तो ये जो कूलर वगैरह लाहौरी कूलर, हाँ हाँ, वो भी आप बनाते हैं? लाहौरी कूलर भी हम अपने बनाते हैं, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी आप जिस गेज में कहेंगे हम आपको बना के देंगे, मोटर वगैरह जितने वाट जितने, एनर्जी सेवर भी है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कॉपर में लेना कॉपर में मिलेगा, अगर आप कहेंगे सिल्वर में अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है ना, और इसके अलावा गीजर के स्पेयर पार्ट्स ऑल टू ऑल ए टू जेड, और एयर कूलर के ए टू जेड हमारे पास स्पेयर पार्ट्स अवेल है, और आपको मार्केट से सस्ते और मुनासिब कीमत में। गाइस स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है इमरान भाई का, आप लाजमी यहाँ पे विजिट कीजिएगा। अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से वीडियो देख रहे हैं, आप ऑनलाइन नया गीजर मंगवाना चाहते हैं, कोई स्पेयर पार्ट मंगवाना चाहते हैं, तो आप इनसे उसके लिए भी रابطہ कर सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन उसकी डिलीवरी भी देंगे। पीछे कुछ स्पेयर पार्ट्स भी आपके पास पड़े हुए थे, जरा इनके बारे में भी बताएं, और फिर 2-3 सवाल हमारे सिर्फ रह गए। सर ये मेरे पास है रेगुलेटर जिसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, जो गीजर में गैस का काम करता है, ठीक है ना,
ये यूनिट और जनरल वाई है, यूएसए स्टैंडर्ड है ये, ठीक है ना। और इसमें लोकल भी आता है, मिस मींस के टेस्ला लगा ले आप, यूनिट और भी लोकल आता है, ठीक है। इसकी आपको साल गारंटी है, एक साल गारंटी है, गारंटी नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि ये चीज अच्छी है, क्वालिटी वाली, इसलिए हम इसकी एक साल की गारंटी देते हैं। ये कितने का है सर? ये आप दराज में मंगवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं घर में, तो ये आपको तकरीबन 55,000 का मिलता है। अभी 48,000 का दे, 4800 का दे। मैं डर गया था, मैं कहा गीजर से महंगा तो यही है। नहीं नहीं, ये 4800 का, ये आप 4800 रुपए में दे रहे हैं। दराज पे उनको कितने का पड़ता है? दराज में 5500 से अब पड़ता है। देखें 700-800 रुपए की तो आपको आपकी इसमें बचत हो रही है। डिलीवरी फ्री है? अच्छा, इस पे आपकी डिलीवरी फ्री है? डिलीवरी फ्री है। और इसके अलावा मेरे पास एलिमेंट है गीजर का, ठीक है, ये 2000 वाट का, इसमें 1500 वाट भी आता है, ठीक है ना। तो ये प्योर इटली है, थर्मो वाट का, इसी गीजर में यूज होता है। ये गीजर में अगर आप कस्टमर कहते हैं जी मैंने इलेक्ट्रिक भी साथ लेना, हमारी आजकल गैस का बहुत इशू बना हुआ है, तो गैस नहीं आ रही लोगों की, फिर वो इलेक्ट्रिक भी साथ करवा लेते हैं। पुराने गीजर को भी आप इलेक्ट्रिक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। गाइस मैं अपना पुराना इलेक्ट्रिक जल्द से जल्द अपना इलेक्ट्रिक करवाना चाहता हूँ, जो मेरा गैस गीजर है, ये तो बहुत फायदे की बात है। हाँ बिल्कुल फायदे की है, मिनिमम यानी कि ये अगर आप एलपीजी पे भी चलाते हैं ना अपना गीजर, तो मैं ये मशवरा दूंगा अपने कस्टमर्स को कि अपना गीजर इलेक्ट्रिक करवाएं, आप बेशक इसको घंटा चलाएं, क्योंकि आपको एलपीजी महंगी पड़ती है और बिजली भी तो बहुत महंगी है। बिजली महंगी मतलब कि गैस तो हर घर में लगी होती है, गैस नहीं आ रही, एग्जांपल गैस नहीं आ रही, आपने अर्जेंट कहीं जाना है या गेस्ट आए हैं, तो आप इसको घंटे के लिए यूज कर लें। जरूरी नहीं है कि आप इसको, ये होता है आसरा, समझते ना पंजाबी में, कि आप इसको जरूरत पड़ती है, गैस नहीं आ रही, होना बेहतर है। तो गाइस देखें आप अपने पुराने इलेक्ट्रिक पुराने गैस गीजर को इलेक्ट्रिक करवा सकते हैं, यहाँ से आप स्पेयर पार्ट बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप लाहौरी कूलर तैयार करवा सकते हैं। हम आपको विजिट करवा रहे थे यहाँ पे, जो गीजर मैन्युफैक्चर करते हैं हर क्वालिटी में मैन्युफैक्चर करते हैं, 10 साल की गारंटी दे रहे हैं, इनका नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जिंदगी में मौका मिले विजिट करें, आप अपने पुराने गीजर को इलेक्ट्रिक करवाएं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी होम सर्विस भी है? कोई कहता जी मेरा गीजर खराब है, यार आगे चेक कर ले। जी हमारी होम सर्विस भी है, हमारे पास प्लम्बर है, हमारे पास। उसकी रेंज कितनी है लाहौर के अंदर? उसकी रेंज है तकरीबन, अगर तो कस्टमर की कोई कंप्लेन है कि सर्विस वगैरह करवानी है, तो हमारे अगर ये 3-4 किलोमीटर में हो तो हम सिर्फ 500 रुपया चार्ज करते हैं, स्पेयर पार्ट जो लगेगा वो लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर कस्टमर कहता है कि मैं अपने गैस का मेरा गीजर है वो काम नहीं कर रहा, या मतलब कि गैस नहीं आती, तो हम घर जाके भी इलेक्ट्रिक कर देते हैं उसको, ठीक है, घर जाके भी इलेक्ट्रिक। हाँ घर जाके भी। उसके कितने चार्जेस हैं? उसके चार्जेस जो है कम से कम इसके साथ अगर 2000 वाट का लगवाते हैं तो इसके साथ 7,500 रुपए इटली का, अगर आप इसमें चाइना पे आते हैं तो आपका 1500 रुपया लेस हो जाए। थोड़ा गाइड कर देंगे, अगर इसको एक घंटा चलाते हैं इलेक्ट्रिक को तो कितनी की बिजली कंज्यूम? सर ये अगर एक घंटा चलाते हैं तो आपकी जो मेरे ख्याल से कोई 100 रुपए से ज्यादा इसकी बिजली का बिल आपको नहीं आएगा। यानी कि सिर्फ 100 रुपए में आप गीजर में फुल गर्म पानी करके नहा, हाँ आप उसे ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इस पे डबल इंसुलेशन करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन करने का मकसद ये है कि पानी ज्यादा से ज्यादा गर्म रहे, ज्यादा से ज्यादा गर्म है ना, तो कस्टमर को हम ठीक है ना बेनिफिट भी देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चीज है कि अगर आप कस्टमर वापस इटली का एलिमेंट है, इसमें लोकल भी आता है, इसमें चाइना भी आता है, अगर आप इसे कहते हैं कि चैनल लगवाना है, लोकल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सर अगर हम लोकल लगवाते हैं ना तो हमारे कस्टमर खराब हो जाता है। होता यह है कि 40,000 का गीजर है, अगर हम एक 500-700 की खातर गंदी चीज लगा देंगे तो कस्टमर हमारा खराब हो जाता है, हम ये बिल्कुल काम नहीं करते, जो चीज कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम वो देते हैं। इमरान भाई आखिरी सवाल ये है कि व्यूअर्स को चंद टिप्स दे दें कि कितने में थर्मोस्टेट रखना चाहिए, कब कितना पानी गर्म करके इसको बंद करना चाहिए, जिससे आवाम की बचत हो। सर पहली बात तो ये है कि अगर आप गैस का गीजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो होता ही ऑटो है, ठीक है ना, अगर आपकी गैस आ रही है तो आप उसको ऑन ही रखें। हाँ उसको कितने पे थर्मोस्टेट, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक बंदे ने नहाना है या चार बंदे ने नहाना है, उस हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। आप उसको वार्म पे भी रख सकते हैं अगर आपका नॉर्मल यूज होता है, अगर आपका ज्यादा यूज होता है आप उसको होट पे कर सकते हैं। इसकी सर्विस वगैरह भी होती है जो कि नॉर्मली वार्म को करवानी चाहिए हर सीजन के स्टार्ट में, लाइक जब एसी की सर्विस होती है, गीजर की भी सर्विस होती है? सर देखिए कुछ लोग होते हैं सर्विस करवा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो खुद भी कर लेते हैं, इतना बड़ा काम नहीं है। मैं कस्टमर को ये भी कहूंगा छोटा मोटा जो काम है सर्विस, आप इस डिब्बे को खोलने छोटा मोटा कर सकते हैं। हाँ अगर कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह आपका खराब है तो फिर आप हमें फोन करें, हमारा बंदा आपके पास आएगा और आपका तसल्ली से काम करके आएगा। इमरान भाई की सारी आपने बातें सुन ली, प्राइसेस सुन ली, यहाँ पे आप आके अपना गीजर ठीक करवा सकते हैं, पुराने गीजर को इलेक्ट्रिक करवा सकते हैं।
इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप भी किसी चीज के मैन्युफैक्चरर या होलसेल डीलर हैं तो आप हमसे रब्ता करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वीडियो बनाई जाएगी और उसको सोशल मीडिया टिकटॉक यूट्यूब फेसबुक इंस्टा सब पे अपलोड की जाएगी। यहाँ पे आपको मिलने जा रहे थे गीजर, वो भी होलसेल रेट पे, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग, पुराने गीजर रिपेयर करते हैं, पीछे कैमरा मैन आपको दिखाए कि यहाँ पे गीजर रिपेयर भी किए जाते हैं। तो जिंदगी में मौका मिले एक बार यहाँ पे लाजमी विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका फायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपनी कीमती राय लाजमी नीचे कमेंट्स में दीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो और कंटेंट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।